हे एवरीवन, आईपी काउंसिल के रिगार्डिंग सबको एक कॉमन सा डाउट होगा कि हमारा काउंसलिंग के टाइम पे कौन सी रैंक कंसीडर की जाती है, क्या वो सीआरएल रैंक है कि वो कैटेगरी रैंक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर किया जाता है। आईपी काउंसलिंग में टोटल 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, 2, 3, तो आपका सीआरएल रैंक कंसीडर की जाती है, लेकिन आपका कैटेगरी रैंक भी कंसीडर किया जाता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले साल ही किसी को 6 लाख रैंक से ज़्यादा ही है उसको बीपीआईटी कॉलेज में आईटी मिली हुई है। अगर आपका सिर्फ सीआरएल रैंक कंसीडर किया जाता तो इस रैंक पे किसी भी कॉलेज में आपको आईटी ब्रांच मिलना नामुमकिन है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका सीआरएल रैंक के साथ कैटेगरी रैंक भी कंसीडर किया जाता है। और अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका कहीं ना कहीं दिल्ली कोटा भी लग रहा होता है। तो टोटल 3 राउंड होते हैं, तो 3 राउंड कम्प्लीट होने के बाद आपका स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2। तो इन दोनों में भी उसको प्रायोरिटी दी जाती है जिसको काउंसलिंग के दौरान अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली होती है। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग, आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।